कट करना है, दोनों तरफ से नहीं करना आपको, इसके ऊपर एक से एक पट्टी लगते जाना है। हमें ये देखिए अंदर से, YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे जी। हम भी ठीक ठाक हैं, जहाँ भी रहें आपके लिए दुआ है जी, करती हूँ हमेशा से। जहाँ भी रहें जी हैप्पी रहें, खुश रहें जी, और अपनों के साथ रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें जी, और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आप लोगों के पास हमारी बार वक्त फ्रेश वीडियो आती रहे जी। आप लोगों का शुक्रिया करते हैं जी, और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ पाँच से छः अदद मिर्ची हैं जी ग्रीन, इसको मैं धो लेती हूँ। इसका मैं क्या करने वाली हूँ, इसकी अब शान बढ़ाने वाली हूँ। इससे लोग देखते ही इसे भागते हैं, खाने में ना हो तो खाना का मज़ा नहीं आता। मैं कुछ इस तरीके से बनाने वाली हूँ कि कोई भी छोटे बड़े अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इसको खाने से, क्योंकि बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगने वाली, और पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर मैं स्टफिंग करने वाली हूँ, पता भी नहीं चलेगा ये ग्रीन मिर्ची है इसके अंदर ये क्या है। करके इसको ऐसे कट करना है, दोनों तरफ से नहीं करना, आप दोनों तरफ से भी कट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं जो कुछ जिसके अंदर भरने वाली हूँ मैदे की रोटी बना के, इसका सारे बीज निकाल लिए, और इसको मैं ज़ाया नहीं करने वाली। ये एक कप मैदा है जी, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वाइट से बॉल में, इसमें ऐड कर दूँगी। ये भी ज़ाया नहीं करने, कुछ भी ज़ाया नहीं करना चाहिए जी। ये देखें, अगर आप ये ना करें तो बीज निकाल के ज़ाया मत करें, सब्ज़ी में डाल लिया करें, बहुत मज़े के होते। अब इसमें जाएगा जी नमक, थोड़ा सा एक चुटकी भर नमक, ठीक हो गया, गल समझ आ रही है ना, और थोड़ा सा ज़ीरा चुटकी भर, बस ज़्यादा नहीं। और इसको मैं पानी से गूंद लेती हूँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसकी रोटी बनेगी तो देख आप, आज मिर्चों का बनेगा क्या, किसी को पता नहीं चलेगा ये मिर्चें हम खा रहे हैं क्या है। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के ऐसे अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट कर देती हूँ, तो फिर इसको करूँगी। अब इसका इसमें जो फीलिंग मैंने करनी है मिर्चों में, मैं बहुत ही खा लेती हूँ। ये मैंने अनारदाना आप लोगों के सामने है जी, मैंने इसको कूट कर लिया था जी, वाश करके अच्छी तरह इसको कूट लिया जी। और इसमें अब मैं क्या डालने लगी हूँ, बस थोड़ी सी मिर्ची एक चुटकी, और ये थोड़ा सा नमक, ठीक है, क्योंकि उसमें भी मैंने नमक और मिर्चों का बीज डाल दिया है जी। और ये सूखा धनिया एक चुटकी, बस यही मिसाले इसमें जाएंगे। आप इसमें कीमे की भी भराई कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब मैं मिर्चों में फिलिंग करूँगी। हम इसको मैं भर लेती हूँ जी, मिर्चें कैसी फ्रेश है आप लोगों को आवाज़ से नज़र आ रहा होगा, कड़च कड़च कर रही हैं जी। मार्केट में आजकल बहुत मज़े की मिर्ची आई हैं, मेरे इधर उंगली में ज़ख़म है, मिर्ची लग रही हैं मुझे अच्छी तरह। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे आलू मैश करके डाल दें, दोनों तरफ से भराई कर लेती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने आटे के पेड़े बना लिए हैं, और इसकी रोटी बना लेती हूँ। कोई मसला नहीं, चाहे गोल बने चाहे लंबी बने, टेंशन नहीं लेनी। अब इसमें ऐसे मिर्च रखनी है जी, ठीक है, बस थोड़ी सी डंडी बाहर होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी कटिंग कैसे करनी है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ऐसे इस तरीके से कटिंग करनी है ऐसे। इसको इसके ऊपर एक से एक पट्टी लगते जाना ऐसे करके, ठीक है, जो बच जाएगा आटा उसको हम कटिंग करके उतार लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक हो गया। ऐसे ऐसे इस मिर्च को छुपा देंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर मिर्च है या कुछ और है। ये मिर्ची के कबाब आप खिलाएं तो पता भी नहीं चलेगा। इसको अभी मैं फ्राई करूंगी तो फिर देखना, में पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या है। इसी तरीके से मैं सारी मिर्चें तैयार कर लेती हूँ, तो
तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसको फ्राई कैसे करना है, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मैंने उसको साफ को बंद कर लिया जी, और ये अंडा मैंने निकाल लिया, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स को इसको मैश कर लेती हूँ। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह अंडा मैंने फेंट लिया जी, इसको ऐसे अंडे में डिप करना है 4-5 दफ़ा, इसकी उल्ट बाजियाँ लगा लगा के इसको, ताकि अंडा अच्छी तरह लग जाए। अब ऐसे दूसरे हाथ से इसके ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं जी, इसको ऐसे ही दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स लगा लेना है, और इसको लगा के साइड पे रख देना, दूसरे को उठाना है, इसी तरह अंडा लगाना है अच्छी तरह डिप कर करके बार बार। फिर ऐसे दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स लगा के रखती जाऊंगी, फिर फ्राई करती हूँ आप लोगों के सामने। आप देखेंगे जी वाह मैंने इस मिर्च को क्या से क्या बना दिया। मेरा ऑयल गर्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आग बिल्कुल स्लो रखनी है जी, बिल्कुल ही बंद हो गई, अच्छी बात है। ऑयल बहुत गर्म हो गया था, मैं इसको दोबारा से चला लेती हूँ। ठीक है अभी फ्राई हो रही है। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे ये ग्रीन मिर्चों के नगर्स इसे कह लें, मछली के कबाब कह लें, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और बिल्कुल धीमी आंच पे पकाने हैं, ताकि वो अंदर तक जो ग्रीन मिर्च है कुक हो जाए। तेज़ आंच में नहीं पकाने, वरना वो बाहर से जो मैंने मैदा लगाया था वो जल जाएगा, तो फिर मज़ा सारा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए अब मेहमानों को सर्व करें, बच्चों को दें, बड़ों को दें, बूढ़ों को दें, सबको दें, बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आप लोगों को काट के दिखाती, बहुत गर्म है और क्रिस्पी क्रिस्पी बना है। ये देखिए बहुत गर्म है, ये देखिए अंदर से बहुत मज़ेदार है। अब इसको केचप के साथ खाएं या ऐसे खाएं और इंजॉय करें आप। अच्छा जी मैंने आप लोगों को दिखाया कि ग्रीन मिर्ची के कबाब कैसे बनाते हैं, और इसे आप नगर्स का नाम दे लें, ग्रीन मिर्ची का दे लें, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ग्रीन मिर्ची आप लोगों को पता है थोड़ी कड़वी होती है। मैंने अपने स्टाइल से बनाई है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना, और अपना ढेर ख्याल रखना। अब आप लोगों से चाहते इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।